यो संसार, सो दिस इज दिटी एंड बैक चैनल। दिस इज आवर सेकंड ब्लॉग और आज हमारा सेकंड डे शूट का। एंड दिस इज आवर कॉस्ट्यूम डांसर्स का। बॉयज का कॉस्ट्यूम अलग है और एक्टर और एक्ट्रेस से मैं आपको मिला दूंगी। एंड टुडे इज द फाइनल शूट, आज गैरेज में शूट होने वाला है। सो या लेट्स गो। और आज हमारे दो सबसे मेन इंटरव्यू होने वाले हैं, स्टे ट्यून्ड। सो अब हम हमारे लास्ट डे के सेकेंड डे के शूटिंग लोकेशन पे पहुंच गए। दिस इज़ आर गैरेज, यहाँ दिस इज़ नॉट आर गैरेज बट हम यहाँ पे शूट करने वाले हैं। एंड तो थोड़े शॉट्स है यहाँ पे। एंड या सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द शूट आफ्टर द लीड, आफ्टर बोथ द लीड्स आर हियर एंड दे आर सेटिंग अप द गैरेज राइट नाउ टू मेक इट लुक मोर कूलर। एंड आई एम 100% श्योर, 100,000,000% श्योर ये शूट बहुत ऑसम होने वाला है बिकॉज दिस लोकेशन इज माइंड बॉगलिंग। सो या द फील, द वॉर्म्थ ऑफ दिस प्लेस, द कूलनेस ऑफ दिस प्लेस is at another level and our director is really working hard. He is so patient, he's so patient with each and every one of us. It's mind blowing. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Hi, I'm Ritikesh. और वन टाइम पब्लिक क्या चल रहा सब लोग का मम्मा है कैसे सब लोग जय महाराष्ट्र जय हिंद। मैं क्या बोल रहा हूँ अतः तुम्हें जो इंजरी का नाम क्या मम्मा जी इंजरी 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 में हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस नहीं मतलब शूट कर रहे हैं, मतलब प्रैक्टिस तो हो गई है तो शूट क्या करेंगे ना। वो अपने मन से बोलेगा जी हमें पहला पण केलं होतं की डायसिंग राजा ते तो आम्हाला एकदम फीलिंग म्हणजे बहुत मतलब बहुत हार्ड था। आता पण आम्ही जे करतोय ते तिथे पण आता सध्या एकदम
क्वालिटी मध्ये म्हणजे क्वालिटी म्हणजे रुग्ण अम्मा अरे हिंदी नहीं हाँ तो अभी हम लोग इधर आए तो हमको प्राउड फील की मतलब हम लोग जो अभी तक इवेंट करते आ रहे हैं या हम लोग शूट करते हैं हमको अभी अभी तक ये प्राउड ऑफ नहीं हुआ कि नहीं हम लोग कर रहे हैं उल्टी तो हम लोग तीनों भाई साथ में हैं रॉबिन यूनिट में सब अच्छा था राहुल सर भी अच्छे और उसका एंड क्रू सब अच्छा था ऊपर से मेरे दोस्त लोग भी थे ये सॉरी नाम नाम भाई जलेबी भाई नहीं था शायद से भाई नाम तुम्हारा नाम बोलो ना विक्की और हेमंत वो भी थे साथ में तो बहुत अच्छा लगा और अवसर का था हमने पहले भी किया और आज भी कर रहा हूँ तो सो हार्ड आगे भी करते रहेंगे बुलाते रहेंगे करते रहेंगे और आगे का मनने का था कैमरामैन को नहीं इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना और ऐसे बोल लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट कमेंट करना कमेंट करो भाई ऐसे बोल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डायलॉग जी भर के कमेंट कर देना एमएमए वाला फील देना रुंगना भाई कमेंट करो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कमेंट और क्या आगे जितना आगे तेरे को उतना ही बोल बोलो बोलो सब्सक्राइब कमेंट और वन टाइप पब्लिक क्या चल रहा है हम लोग पुणे से ही हो कि हम लोग भी ब्लूपर परत 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 चलो क्या टेक टू वर वन टाइप पब्लिक क्या चल रहा है हम लोग पुणे से ही हो तो हम लोग का अभी चल रहा है शूट तो ये चैनल और ये हाँ ये चैनल को सब्सक्राइब करें स्माइल कर
काम करते रहो करते रहो करते रहो, गाड़ी आ गई, लड़की उतरी, विकी देख अब पाना बात दे पाना दे, अरे आप देख कर वक्त की है उठे पक तो यार, ओह वाव कपड़ा भी हाथ साफ कर दिया स्टाम हर पर भी जास्ता था कपड़ा डाल, वाव वाव सुंदर वाव, हाँ स्माइल कर दी आता नहीं था ना मतलब बोलो दे तू काम कर रहा था, हाँ ये गाड़ी आ रही, गाड़ी से लड़की उतरी, हाँ विकी देख उतरी पाना बात पाना बात इतना स्ट्रगल दो दिन पे जितना मैंने 3 इयर्स के जॉब में नहीं किया होगा उतना, इट वाज अमेजिंग। अ लॉट बहुत हेल्पफुल है लोग और बहुत कम भी करते हैं और अच्छे से बाबा भी देते हैं और डिजाइनर इज टू गुड एंड द को-एक्टर्स वेरी गुड। बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत मल्टीटास्किंग है, प्रोफेशनल है, गुस्सा भी करते हैं थोड़ा बहुत पर प्यारे भी हैं। यस आई विल लव यू। राहुल रेड्डी, हाँ हमेशा की तरह अच्छा ही एक्सपीरियंस रहा है मेरा, और वैसे अभी जो गाना किया ये हमारा एक साथ में तीसरा सॉन्ग है, अभी तक तो हमने 3 गाने किए, तो ये हमेशा की तरह बहुत अच्छा ही एक्सपीरियंस है। पहले क्या होता है जब इंसान काम करते जाता है, अभी ये तीसरा सॉन्ग है तो अभी ऐसा राहुल और बेटर पे बेटर बेटर पे बेटर होते ही जा रहे हैं। शुरू में था तो उसको एक्टिंग डांस में इज गुड, डांस बहुत अच्छा है, पर कहीं कहीं क्या एक सॉन्ग करते तो उसमें एक्ट करना पड़ता, तो अभी धीरे धीरे उसका एक्टिंग स्किल भी इम्प्रूव हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। देखो एक्चुअली प्रोडक्ट
प्रोडक्शन के हिसाब से एक डेडलाइन होती है, जैसे आपने बोला कि दो दिन का, तो दो दिन का होता तो हमें किसी ना किसी तरीके से करना ही पड़ता, लेकिन हमने फिर भी सही टाइमिंग पे शूट स्टार्ट की, सही टाइमिंग पे हम लोग करते गए एक प्रॉपर टाइम, और इसीलिए एक्चुअली जब ये दो दिन का काम होता है कभी हमको टाइम भी कम होता है, इसीलिए हम दो कैमरे यूज़ करते हैं ताकि जल्द से जल्द हमको ना दो दो शॉट्स मिल सके, तो जिसमें हमको कटिंग और मेन क्या जब आपका देखना है तो एक्चुअली आपका जब माइंड सेट हो जाता है आपका स्क्रीन प्ले प्रॉपर रेडी तब आपको टाइम नहीं लगता, क्योंकि आपको जितने शॉट्स चाहिए आपको उतने ही, एक्स्ट्रा शॉट्स लेने का कोई सेंस ही नहीं बनता, जिससे आप डिले हो गया और शूट आपका एक्सटेंड हो जाए, तो हमारा हम जो भी गाने करते हैं उसमें हमारे शॉट्स ऑलमोस्ट सब डिसाइडेड होते हैं। हमारी शूट दो दिन में जो शूट कंप्लीट करने का प्रॉमिस किया या हमने जो बोला कि जो हमारा प्लानिंग किया शूट हमारा दो दिन में होगा, तो ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारा माइंड सेट है, हमारा स्क्रीन प्ले प्रॉपर है, हमें क्या शॉट चाहिए क्या नहीं चाहिए वो हमारा फिक्स है, जैसे हम लोग एक्स्ट्रा शॉट या जब डिले तब होता है जब आप प्री प्लान नहीं होते, हमारा सब वेल प्लान होता है, इसलिए वो परफेक्टली हमारा वो डेड एंड तक फिनिश हो जाता है और वो भी अच्छी तरह। जैसे हम लोग राहुल के साथ हम लोग कर रहे हो मराठी सॉन्ग, अब मैं चाहता हूँ मराठी में अच्छा है एक ट्रेंड जा ही रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ धीरे धीरे हम लोग है ना थोड़ा और हिंदी में भी वीडियोज़ वगैरह बनाए जो हम जी या किसी के साथ कनेक्ट करें, तो उनको जरा अच्छे और लेवल पे अच्छे स्केल पे होगा। मराठी है, मराठी का क्या है, मराठी नो डाउट अच्छा है, इंडस्ट्री भी काफ़ी है, लेकिन फिर भी एक हिंदी सॉन्ग का वो ज़्यादा एक्सपांड हो जाता है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सॉन्ग का इंस्पिरेशन मेरा एक फेवरेट स्टार है, साउथ के बहुत बड़े सुपरस्टार है अल्लू अर्जुन, उनके बहुत सारे मूवीज में फॉलो कर चुका हूँ ऑलरेडी, और बहुत सारे सॉन्ग्स होते हैं जिसमें बहुत अच्छे अच्छे डांस मूव्स एंड कॉस्ट्यूम्स वराइटीज देन सब कुछ एक अलग होता है, उनको मैं पहले से फॉलो करता है और अभी भी उनको ही फॉलो करता हूँ, देन उनको एक दिमाग में रख के कुछ अलग करने की सोची है एंड ये सॉन्ग किया हूँ। रैपिंग में मैं कभी रैपिंग एंड ऑल कभी किया नहीं हूँ, बट मैं सोचा कुछ अलग करें थोड़ा मराठी में भी कुछ अलग कर सकते हैं हम लोग रैप एंड ऑल मिक्स करके, तो मैंने रैपिंग मैं जैसे कि एमवी में बंटा है अभी ट्रेंडिंग पे डिवाइन, इनके रैप हमेशा सुनता हूँ, जैसे कि डांस भी हम लोग बहुत सारे करते हैं उनके रैपिंग पे, तो मैंने जो सिंगर है तो उनको मैंने बोला था कुछ ऐड करो, तो उन्होंने ऐड किया, बहुत अच्छा गाया है, मैं उनको मैच करते करते प्रैक्टिस में बहुत टाइम से गया बट थोड़ा बहुत कुछ कर पाया हूँ प्रैक्टिस करते करते, बट आगे भी बहुत कुछ करूँगा। ऑब्वियसली स्टाइल आइकॉन भी अल्लू अर्जुन ही है,
उनको ही देख के मैं सब करता हूँ। और मेरा बेसिकली फंडा होता है कि कुछ हर एक सॉन्ग में कुछ अलग अलग पैटर्न होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले टैशन वाला किया था, फिर कोहली सॉन्ग किया था, देन अभी ये रैपिंग एंड ऑल मिक्स कर रहा हूँ। आगे भी कुछ दो सॉन्ग सोचे हैं हम लोगों ने, हमारा प्रिपरेशन चल रहा है, कुछ अलग ही सोच रहा है, सोच रहे हैं हम लोग, तो मजा आ रहा है। फ्यूचर में अभी तो फिलहाल अभी दो तीन सॉन्ग हमारे जो हमारे लाइनअप है, हम एक थ्री मंथ्स में तीन सॉन्ग्स अनाउंस करने वाले हैं। उसके बाद एक सोच रहे हम लोग कोई अच्छी सी फिल्म करें, जैसे कि हमारा फिल्म का प्रिपरेशन चल रहा है, उससे पहले कुछ हम लोग तैयारियां कर रहे हैं कि क्योंकि करें तो बहुत अच्छा होना चाहिए, ऐसे कैटर कोई नहीं हो, इसीलिए हम लोग एक टीम बना रहे हैं। टीम के थ्रू हम लोग एक बड़ा फिल्म का सोच रहे हैं, उसका भी प्रिपरेशन चल रहा है, बहुत जल्द आपको न्यूज़ भी मिलेगी उस बारे में। एंड अभी तो सॉन्ग्स में हम लोग कुछ मचाएंगे पहले, फिर फिल्म के साथ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, फैन वगैरह ऐसे कुछ नहीं है, मुझे लोग चाहते हैं, चाहने लगे, लाइक उनको पसंद आ रहा है मेरा काम और मैं भी मेहनत से कर रहा हूँ, लगन से कर रहा हूँ। जैसे आगे बढ़ूंगा, मेरे कोई फैन नहीं है, मेरे दोस्त मेरे भी मतलब मुझे लाइक करते हैं, मैं भी उनको उतना ही लाइक करूँगा, क्योंकि वो मैं मुझे देख रहे उतना टाइम निकाल के जो मुझे लाइक कर रहे हैं, तो मेरे ये बहुत बड़ी बात है। एंड आगे भी उनके लिए कुछ अच्छे अच्छे मैं सॉन्ग्स लाऊंगा, ट्रेंडी सॉन्ग्स लाऊंगा, मजा आएगा, ऐसे कुछ कर सकेंगे। मैं सब कर पा रहा हूँ क्योंकि उसके पीछे एक मेरी बहुत बड़ी टीम है, जैसे कि आर प्रोडक्शन के नाम से एक मेरा प्रोडक्शन हाउस चल रहा है, उसमें हमारे बहुत सारे बंदे हैं जो बैकग्राउंड में काम करते हैं, वो डांस भी करते हैं, काम भी करते हैं, और इसमें बहुत बड़ा हाथ है मेरे दो तीन अच्छे अच्छे बंदों का, जैसे कि मेरे भाई है गणेश शर्मा, जितेंद्र सर करके, और मेरे फैमिली का बहुत बड़ा सपोर्ट है, उनके बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। एंड मेरे डांसर्स, मेरे स्टूडेंट्स, ये भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, जैसे कि डांस भी करते हैं बैकग्राउंड में और बहुत सारा काम भी करते हैं, वैसे ही मैं वो एक्ट भी करता हूँ, देन पीछे का सब सब काम धाम सब संभालता हूँ। ये हमारे एक फैमिली, नॉट अ टीम, एक फैमिली की तरह हम लोग काम करते हैं और ऐसे करते जाएंगे, इससे एक टीम बन रहा है हमारा और आगे भी बढ़ेगा, अच्छा करेंगे हम लोग। थैंक यू सो मच मेरे सब चाहने वालों को, लाइक्स करने वालों को एंड व्यूवर्स को, एंड आगे भी बहुत कुछ अच्छा अच्छा करेंगे हम लोग, हमारी टीम नहीं। चलो भाई, पैक अप हो गया, गणपति बप्पा हो गया, राहुल 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 फाइनली द शूट इज ओवर एंड I hope that you all enjoyed watching it. I hope that it was informative too, not musty. And so I really hope, fingers crossed, that our song turns like boom on the internet. Yeah, finally done. We are very tired. Ganesh. हमारा अभी हो गया है, सो आई होप दैट यू आर लाइक दिस वीडियो एंड इफ यू डू देन प्लीज यहाँ ना मेरे साथ चिल्लाओ ना, क्या ना प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब 1 2 3 गो Like, comment, share, and subscribe. 1 2 3 Please like, comment, share.
Please like, comment, share, and subscribe. I think that was a wrap right here. This was Riddhi reporting. Over and out. Start. यहाँ पे है कैमरामैन Riddhi जो अपने ब्लॉग स्टार्ट कर रही है. टाइगर Riddhi. टाइगर Riddhi. बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रही है. सो गाइस इसके चैनल को प्लीज जाके सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कमेंट सब कुछ कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए. और हर चीज के बारे में कमेंट करो गाइस. आप लोगों के कमेंट ही हमारे यू नो मोटिवेट करते हैं. के साथ बने रहिए. कैमरामैन Riddhi, Riddhi टाइगर Riddhi के साथ Riddhi टी. मुझे टाइगर बोला ना? नहीं, सिर्फ Riddhi टी. ऑलराइट, रॉबिन डी, Riddhi डी, सॉरी Riddhi टी, Riddhi के डी. फिर एक मिनट, फिर से बोलिए. और यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे. कैमरामैन Riddhi टी और Hrithikesh भाई डी और विनोद भाई जी और रॉबिन डी के साथ. और इस चैनल पे वापस आइए, फिर आइए, देखते रहिए और शोर मचाते रहिए. और वन टाइम पब्लिक क्या बोलते सब लोग, बहुत आठ यू कमेंट.